ये राजा बाबर साहब है जी, उन्होंने आज इफ्तिताह किया है दुकान का। ये क्योंकि सोशल वर्क करते रहते हैं, तो क्या पैगाम आपका राय साहब जी? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सारे भाइयों का? ठीक है जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कह दिया हमसे ट्रीट है। इधर अमार भाई ने पकौड़ों की शॉप खोली, जिन्होंने बुलाया जी इफ्तिताह करना, मैंने कह दी चले हम आ जाते हैं। ये उस दिन हमारे पास शोरूम पे बैठे थे, कह रहे थे मेरे पास काम कोई नहीं है, तो मैंने इन्हें मशवरा दिया ठंड आ रही है आप पकौड़ों का सेटअप करें। ये कह रहे थे कि हमारे इतना वसाया नहीं, मैंने कहा चलो मैं फर्स्ट टाइम मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैंने इनकी हेल्प की है, ये चेक करें। अब इन्होंने थोड़ा सा सेटअप बनाया है दुकान का, सारा पकौड़ों का भी रखा है। ये कह दिया हम स्ट्रीट वाले जो भाई हैं सारे आए, ये इनके लिए फ़ायदा मंद हो गया। अब ठंड आई है, घर में माएँ बहनें वैसे भी नहीं बना सकती पकौड़े। जिस घर वालों को कहें, घर वाले आगे से गुस्सा करते हैं, कहते हैं क्या यार ऊपर वीर ने बारह घेना। तो इस वजह से ये माध भाई ने कह दिया हम स्ट्रीट में पकौड़ों की दुकान बनाई है, सारे भाई आए चेक करें। बल्कि बाहर से सऊदीया इंग्लैंड भी जिन्होंने पार्सल मंगाने हैं इनसे। अच्छा, फोन मौजूद है सऊदी इंग्लैंड में? हां जी इंशाल्लाह, ये टीसीएस वाले मेरे ख्याल लेके जाते हैं जी। अच्छा, कोई नहीं इनसे लें जी, मार भाई की हेल्प भी हो जाएगी। बाकी सारे भाई जो हैं कहते हैं हम स्ट्रीट टैक्स ला के जितने आवाम भी है सारे आके इनसे खरीदारी करें। बाकी होलसेल सामान भी इनके पास मौजूद है जी, इनकी थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। मसालों का मुकम्मल सामान जी इनके साथ है। ठंडे हो जाएंगे मसाले, अभी आप जरा।